किसान सभा ने राजधानी शिमला में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर मनाया रोष दिवस। डीसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया ज्ञापन। किसान सभा राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप तनवर के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। नोहराधार में किसान सभा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। किसान सभा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप तनवर के नेतृत्व में सोमवार को राजधानी शिमला में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रोष दिवस मनाया गया। डॉक्टर तनवर के नेतृत्व में किसान सभा की शिमला यूनिट द्वारा अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया। किसान सभा प्रदेश अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि गत वर्ष 9 दिसंबर को दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों अथवा संयुक्त किसान मोर्चा को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के सचिव द्वारा जारी पत्र में कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के साथ साथ 6 मांगे पूरी करने का भी जिक्र था, मगर अब तक इन मांगों को पूरा किया जाना बाकी है। किसान सभा शिमला जिला इकाई के अध्यक्ष सत्यवान पुंडित ने बताया कि इससे पहले गत 31 जनवरी को भी किसान संगठन विश्वासघात दिवस मना चुके हैं और आगामी अप्रैल माह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ किसान संगठन मांगे पूरी न होने की सूरत में फिर से प्रदर्शन करेंगे। सिरमौर जिला के नौराधार में भी सोमवार को किसान सभा जिला अध्यक्ष रमेश वर्मा के नेतृत्व में रोष दिवस पर स्थानीय तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान वामपंथी संगठनों से जुड़े कर्नल राजेंद्र ठाकुर, सतपाल मान व रविंद्र चौहान आदि पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जैसा आपको मालूम है, संयुक्त किसान मोर्चा ने 19 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अनाउंस किया था कि जो 3 कृषि कानून है उन्हें वापस लिया जाएगा। उसके बाद 29 नवंबर को पार्लियामेंट के अंदर उन कानूनों को वापस लिया गया। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया कि जो एक मोर्चा दिल्ली के ऊपर लगा था उसे वहां से उठाया जाएगा और उसके लिए सरकार से लिखित रूप से एक आश्वासन मांगा था।